इसे तेरे इसके काम चेक करे। ये देखिए इसको पकड़ा है जिसने। जी तो वेलकम टू अनदर व्लॉग अपने डेरे पे जनाब। अपने व्लॉग का आगाज करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। और चलते हैं जी अपने वीडियो की जानब बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए। यार इस बिल्ली ने ना हमारे नाक में दम किया हुआ है, ये हमारा कबूतर का बच्चा खा रही है। मुझे खाया तो नहीं है उसको ना, ज़ख्मी करके उसको मार ही दिया। तो कल जब पता चला कि इसने बच्चा मार दिया तो बड़ा दुख हुआ यार। इसको कुछ कहने को दिल भी नहीं कर रहा और इसका काम देखे। काटो यार, काटो 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 काटो। ये देखिए आवारा फिर रही है इधर। काटो इधर, इसको ना कहीं छोड़ के आएंगे। अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि इसको ना कहीं छोड़ के आएंगे, ये नुकसान करेगी क्योंकि हमारे और भी पिजन्स हैं, उनका नुकसान करेगी। जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी तो फिर इसका, वो कहते हैं ना पंजाबी में, इसका चाका खुल जाएगा। चाका ये ना हो कि इसका चाका खुल जाए और ये हमें और भी तंग करे, तो इसको छोड़ के आना बेहतर है। तो अपने पिजन्स को देखते हैं यार। यार ये ना हमारा पिजन्स एक ही रह गया, एक मर चुका है बच्चा, वो बिल्ली ने मार दिया कल, और एक ये ही बचा है। ये शायद नार है और बिल्कुल अपने बाप के जैसा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। चेक करें, इसको हैंड टेम करेंगे यार। इसको मैं पहले भी कोशिश कर रहा था इसको हैंड टेम करें, अभी बड़ा हो गया, अभी हैंड टेम करना आसान है, तब छोटा सा तो पर भी नहीं थे इसके। बाकी हमारे पिजन्स, तुमने अंडे दिए कि नहीं दिए बताओ, ये देने कि नहीं देने अंडे तुमने? ओ वाओ, इसने भी अंडा दिया हुआ है एक, क्या बात है जनाब। सो फाइनली आपने अंडा दे ही दिया। हाँ इसके क्या हालात हैं, इसके क्या हालात, ये भी लगता है मुझे अंडे दिया हुआ है इसने। उठो इधर से, उठो, मुझे लग रहा है इसने अंडा दिया हुआ है। ओहो कन्फर्म है, क्योंकि ये जिस तरह ढीठ होकर बैठी हुई है ना, इसके नीचे पक्का अंडा पड़ा हुआ है, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा। ओए ओए ये तो मार रही है यार, एक ही अंडा है इसके नीचे, माशाल्लाह से इसने भी अंडा दिया हुआ है। और हमारे इस पिजन्स ने अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह, ये हमारा जोड़ा है। बस ये हमारा जो जोड़ा है इसके अंडे नहीं दिए अभी, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे देंगे। बाकी पिजन्स हमारा वो हैंड टेम करते हैं यार, उसे बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया, अभी इसको हैंड टेम ही करेंगे जनाब हम लोग। अब देखिए कितने मज़े से बैठा हुआ है मेरे हाथ पे, हैंड टेम होगा इंशाल्लाह, और हमारा साथ साथ ही रहेगा। इसका नाम सोचते हैं क्या रखना चाहिए नाम इसका, माशाल्लाह से इसको रोटी देते हैं। मगर पहले जो हमारे कबूतर बैठे हैं ना, वैसे ही अंडा दिया है उन्होंने, उनके नीचे रखते हैं वो घास वगैरह और फिर आते हैं। और आपको तमाशा दिखाते हैं जी बिल्ली का, बिल्ली देखिए इसकी तरफ कैसे लपकती है, साइड भी होने लगा तो उसको देखते ये क्या करती है। अभी अभी नहीं इसने पास आना, बहुत स्मार्ट है, जब मैं साइड पे हो जाऊंगा ना फिर ये आएगी, फिर इसको तंग करेगी। खैर बाहर से घास लेके आते हैं और कबूतरों के नीचे रखते हैं। जी तो इसको हैंड टेम करेंगे जी, इसको अपने कंधे पे बिठाते हैं, अगर ये बैठ पाया तो, ना बैठा तो फिर बैठ गया जनाब, बैठ गया। कितना प्यारा लग रहा है ना, अभी थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। ये पड़ा हुआ जी घास, घास उठा के ना अपने कबूतरों के नीचे रखते हैं। ले जी घास हम ले आए हैं पिजन्स के नीचे रखते हैं, और ये हमारे साथ साथ ही इसको रोटी देते हैं तो माशाल्लाह से। और ये बड़ा ही मासूम परिंदा है यार, बहुत ही मासूम परिंदा, मतलब मैंने आज नोटिस किया इनके पास वो ये घास वगैरह नहीं था, तो इस परिंदे ने ना नीचे ही अंडे दे दिए, तो इससे पता चलता है कि ये कितना मासूम है।
इधर भी घास लगा दिया हमने, इधर भी लगा दिया और इधर भी थोड़ा सा रख दिया और इधर भी एक घास रख दिया। अगर इन्होंने अंडे देने तो ये इधर दे देंगे, इनकी मर्जी है, शायद इधर भी दे दें, इनको पता होगा, हमें क्या पता। इसका काम चेक करें, ऊपर वो कबूतर बैठा हुआ है, नीचे ये ना अपनी फुल कोशिश कर रही है कि ये ना इस पर इसका काम चेक करेंगे। कबूतर पे हमला करने की कोशिश कर रही है और नीचे जाने की, अंदर जाने की भी कोशिश कर रही है, अंदर जाइए। इसको ना छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत नुकसान करेगी हमारा। ये देखें इसके काम, अब इससे ऊपर तो नहीं जाएगी ना, कैसे जाएगी ऊपर, नीचे उधर उतर 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 चल। इसके काम चेक करें अभी ना, ये अपना फुल वो निशाना लगा के बैठी हुई है, वो भाग गई है, बहुत स्मार्ट है। ऐसे नहीं है इसने कुछ कहना, जब मैं साइड पे आऊँगा तो फिर इसको पकड़ने की कोशिश करेगी। ये देखेंगे अभी आएगी वो हमले कर रही है। अभी मैं साइड पे होता हूँ तो फिर देखते हैं ये क्या करती है, इसका रिएक्शन देखते हैं। जी अभी ना हम अपनी वशेरियों की तरफ जा रहे हैं, ये मेरे साथ साथ ही रहेगा, जिस व्लॉग में भी आप देखेंगे ये साथ ही रहेगा। मैं भैंसें खड़ी हैं, वैसे ही वैसे ही पंजाबी में कहते हैं खलौती हैं जी, बैठी नहीं है, खलौती हैं। इधर हमारी घोड़ियाँ भी खलौती हैं, आपको घोड़ियाँ दिखाते हैं यार, काफ़ी दिनों से देखी नहीं। हमारी जिंद हमारी जान जिंद है, इसको भी शावर देंगे यार, काफ़ी दिनों से शावर नहीं दिया हुआ, इसका बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा, शावर देंगे इसको। तितली माशाल्लाह काफ़ी कवर हो गई यार, माशाल्लाह से काफ़ी फिट लग रही है। इसका भी अभी फिट नहीं हुई जैसे होना चाहिए इसको, इससे कबूतर बिठाते हैं यार अपना पिजन बिठाते हैं इसके ऊपर, देखते क्या रिएक्शन करती है। बिठाओगी अपने ऊपर, बिठाओगी इसके पाँव के नीचे ना आ जाना यार, ये हमने इसके ऊपर बिठा दिया। रहने देते हैं यार, ये ना हो के और ही कोई काम पड़ जाए इसको। इसका पहले एक हमारा बच्चा मर चुका है और एक फिर दूसरा पिजन का बच्चा ना मर जाए। हमारी जेंद हमारी तितली ये थोड़ा डर रही यार, इसको थोड़ा ना टाइम देते हैं यार। ये हमारी बीबी सी शबनम है, मोस्ट फेवरेट माशाल्लाह, क्या बात है। इंशाल्लाह जी जब इस पर राइड करेंगे तो ज़माना देखेगा इसको, इस पे और इस पे दोनों पे। ये तो अभी छोटी है माशाल्लाह, ये भी एक दिन राइड करवाने के लायक हो ही जाएगी, मगर ये इंशाल्लाह वो एक साल तक, नुकरी जो है हमारी बिछेरी जिंद है, वो इंशाल्लाह एक साल तक सवारी करने के लायक हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये भी बस एक डेढ़ साल तक इंशाल्लाह, ये भी तकरीबन इंच पर इस पर भी राइड करेंगे इंशाल्लाह, और इसको खुद ही तैयार करेंगे इंशाल्लाह। दिल करें इनको शावर दें, जिस दिन हम लेके आए थे ना इसको, ये शबनम को, हमें पता है हमने रक्षे में ला दी इसको, और एक बंदा रक्षे में था और मैं गाड़ी में था, मतलब कि गाड़ी मेरी पीछे पीछे थी रक्षे के ना, तो जैसे ही आई है ना, ये तकरीबन इससे भी थोड़ी छोटी थी, तो जैसे आई है हमें पता है, हमने वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बनाई होती तो बड़ा मज़ा आता, मतलब एक कभी रक्षे की इस साइड पे और कभी इस साइड पे, मतलब जैसे भी आई ना अल्लाह अल्लाह करके हम लेके आए हैं इसको। और अभी तो माशाल्लाह से जैसे मर्जी इसके साथ खेलते रहें, कुछ नहीं कहती माशाल्लाह, काफ़ी साऊ सील है, साऊ सील। इस पर आज प्यार आ रहा है यार मुझे, गंदी इसको शाम देंगे इंशाल्लाह। तेरा क्या हाल है, देखिए हम हैंड फीड करवा रहे हैं इंशाल्लाह, ये हाथ से खाएगा, ये ले खा ले। और बार बार अरे यार हम चित्र को उतारना भूल गए, ये तो मर जाएगा गर्मी में,
देखिए कैसे भौंक रहा है बेचारा, सुबह का किसी ने भी नहीं खाया इसको, इसको भी रोटी खिलाते हैं यार। देखिए हर वक्त दहा पे रहती है, पता नहीं ये क्या करेगी, तो कुछ ना कुछ करेगी। ये इसको रोटी खिलाते हैं, पता नहीं अभी ठीक है या नहीं है, हमें तो इस बात का नहीं पता, मगर दिल कर रहा है कि आज इनसे जानवरों से प्यार किया जाए। यार कितना मज़ा आ रहा है इसको रोटी खिलाने का यार, क्या बात। थोड़ी थोड़ी रोटी करके ना वो हाथ से खा रहा है, जितनी उसको ज़रूरत है उतनी उतनी वो बाइट ले रहा है जी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ब्लॉग भी हमारा, पिजन्स भी, और हमारी कबूतर बोल दिया मैंने, हमारी घोड़ियाँ भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।